I myself, Amit Gupta, Assistant Professor, B.I. College of Pharmacy. Today, we study about the different type of drugs, effect of different type of drugs on frog heart. So, effect of different type of drug ka frog heart pe kya effect padta hai, isko hum aaj observe karenge with the help of virtual lab and virtual experiments. To start karte hain frog heart ka virtual experiments. तो स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दूँ. ये जो आपको दिख रही है दैट इज़ द जो कैमोग्राफ पे हम जो रिकॉर्ड करते हैं जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे. ये फ्रॉग हार्ट है, ये फ्रॉग हार्ट आपका यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहीं पर आपका फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन इंसर्ट किया जाता है. और फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशंस की साथ में यहाँ पर हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं. फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशंस क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि किसी भी टिश्यू जो हमने लिया है, किसी भी टिश्यू जो आइसोलेट किया चाहे वो हार्ट है या कुछ और भी है, उसका सर्वाइविंग पीरियड बढ़ जाता है. तो यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन के साथ में ड्रग इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ आप यहाँ पर मैं ड्रग सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इंजेक्ट होगा. एक ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद इसे वाश आउट करना पड़ेगा, फिर अगेन दूसरे ड्रग का रिस्पॉन्स देखेंगे. यहाँ पर लेवल ऑफ ड्रग आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे लेवल ड्रग का कम होता जाएगा वैसे रिस्पॉन्स भी खत्म होगा. स्टार्ट करते हैं, बात करता हूँ एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन जो ड्रग है वो कैसी है, सिंपथोमिमेटिक है. सिंपथोमिमेटिक का मतलब क्या है कि वो हार्ट रेट को बढ़ाएगी. कार्डियक स्टिमुलेंट नेचर है, कार्डियक स्टूडेंट नेचर है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेगी. तो हम इसे इंजेक्ट करते हैं एपिनेफ्रिन के लिए. एपिनेफ्रिन जैसे इंजेक्ट किया आपने लेवल देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि हार्ट की बीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जैसे ड्रग ख़त्म हुई यहाँ देखते हैं कि एपिनेफ्रिन जब मैंने दी यहाँ पर तो उस टाइम हार्ट रेट थी वो 65 थी. और एपिनेफ्रिन जब दी उसके बाद जो एपिनेफ्रिन का रिस्पांस की वजह से क्या हुआ, हार्ट रेट 75 हो गई. यहाँ यानी कि एपिनेफ्रिन क्या करती है कि हार्ट रेट को बढ़ाती है. इट इज ए कार्डिक स्टिमुलेंट्स, क्योंकि ये आपके जो कार्डिक रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे होते हैं, इसे स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे कि हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है हार्ट की. ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग लेते हैं हम आपका एसिटाइलकोलाइन. ठीक है, एसिटाइलकोलाइन ड्रग लेंगे, उससे पहले हम वॉश आउट करेंगे. वॉश आउट कर लेंगे, वॉश आउट करके हमने एसिटाइलकोलाइन ड्रग को सेलेक्ट किया. जस्ट अपोजिट ड्रग है, यानी कि ड्रग इस रिस्पॉन्स को कम करती है. आप इंजेक्ट करेंगे आप इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं. जैसे मैंने इंजेक्ट किया आप देखेंगे ड्रग का लेवल यहाँ पर रिस्पॉन्स, हार्ट रेट क्या हो गई, कम हो गई. क्योंकि एसिटाइलकोलाइन का नेचर क्या है कि जो आपके हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है. ऐसे कार्डिक डिप्रेशंस, क्योंकि जो ऐसे नोड हैं जो साइनो आर्टरियल नोड है उसको ये सप्रेस करती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है. यहाँ पर हार्ट रेट कितनी थी, 66 थी. जब मैंने एसिटाइलकोलाइन इंसर्ट किया तो हार्ट रेट कितनी हो गई, 39 हो गई. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट रेट कम हो रही है ड्यू टू द एसिटाइलकोलाइन. ठीक, इसके अलावा फिर हम वॉश आउट करेंगे. नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, नेक्स्ट ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट ड्रग लेते हैं हम इसकी जगह कैल्शियम फ्लोराइड. और कैल्शियम फ्लोराइड क्या है, आपको पता है कि हार्डली हार्ट के अंदर या मसल्स अंदर कॉन्ट्रैक्शन करती है. तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म तक हार्ट जो होगा वो सिस्टोलिक फेज में रहेगा. ऊपर वाली फेज जो है वो सिस्टोलिक फेज दिखा रही है और नीचे वाली जो है डायस्टोलिक फेज दिखा रही है, यानी लॉन्ग टाइम तक सिस्टोलिक फेज में रहना चाहिए. तो देखते हैं ड्रग इंजेक्ट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है कैल्शियम क्लोराइड का. जब कैल्शियम क्लोराइड इंसर्ट किए तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, लॉन्ग टाइम तक क्या है, हार्ट कॉन्टैक्ट है और यानी कि ये सिस्टोलिक फेज में मेनटेन. जब ड्रग का रिस्पॉन्स कम था, लेवल खत्म हुआ, वहाँ पर क्या है, हार्ट अगेन बीट नॉर्मल करने लगा. नेक्स्ट फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग का रिस्पॉन्स देखेंगे. अब नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम इसमें आपके पास में, हमने एपिनेफ्रिन की नॉन एपिनेफ्रिन वैसी होगी. आइसोप्रिन देखते हैं, आइसोप्रिन का थोड़ा हार्ट रेट को और ज़्यादा स्टिमुलेट करती है. जब देखेंगे तो ये वो ज़्यादा हार्ट को और ज़्यादा हार्ट रेट को बढ़ाती है. इसमें मेरी सिस्टोलिक फेज ज़्यादा होती है और डायस्टोलिक फेज कम होती है. हार्ट रेट देखेंगे तो ये भी क्या कर रही है, हार्ट रेट को 91 पहुँचा दे रही है, यानी कि 66 थी हार्ट रेट वो आपकी 91 पहुँच जा रही है. यानी ये भी क्या है, कार्डिक स्टिमुलेंट है, ऐसे ऐसे नोट को स्टिमुलेट करती है जिससे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है. ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो आपका प्रोपेनोलोल को देखेंगे. प्रोपेनोलोल क्या है, आपका बीटा ब्लॉकर है. तो बीटा ब्लॉकर की वजह से क्या है, जब आप बीटा ब्लॉकर होगा तो कार्डिक रिसेप्टर जो होता है बीटा वन होता है, तो बीटा वन को ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से हार्ट रेट भी उसमें
से क्या इफेक्ट पड़ता है। एपोकेनॉल आपका क्या बीटा ब्लॉकर ड्रग है, जो बीटा ब्लॉकर तो यानी बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, यानी बीटा वन रिसेप्टर जो कार्डियक स्टिमुलेंट वो जब एक्टिवेट होगा तो हार्ट की रेट को बढ़ाता है, तो ये करेंगे उसको ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मैंने प्रोपेनॉल इंसर्ट की, इंजेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके टकीकरण क्या होगा। हार्ट रेट जो सिस्टोलिक फेज है वो काफ़ी कम हो गई, डायस्टोलिक मेंटेन है, हार्ट रेट जो 67 थी वो कितनी हो गई 48 हो गई ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ प्रोपेनॉलॉल वो बीटा रिसेप्टर ड्यू टू द ब्लॉकेज बाय द प्रोपेनॉलॉल बाय द बीटा वन रिसेप्टर्स। ठीक है, और कोई ड्रग देखते हैं आगे तो उसको भी बात कर लेंगे हम। पोटेशियम क्लोराइड जो क्या करते हैं हाइपरपोलाइजेशन करते हैं तो उसकी बात करते हैं हम, फिर वॉश आउट कर लेंगे। फिर हम पोटेशियम क्लोराइड को इंसर्ट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हाइपरपोलाइजेशन करेंगे, हार्ट रेट यहाँ पर कम होंगे या फिर ज़्यादा टाइम तक क्या होगा सिस डायस्टोलिक फेज रहेगी। देखेंगे क्या होता है इसका इफेक्ट, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट किया तो लॉन्ग टाइम तक डायस्टोलिक फेज मेंटेन रहेगी जस्ट अपोजिट टू द कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है जस्ट अपोजिट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड के साथ में क्या थी सिस्टोलिक फेज लॉन्ग टर्म मेंटेन, यहाँ पर क्या है डायस्टोलिक फेज मेंटेन रहेगी क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हाइपरपोलाइजेशन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं डीपोलाइजेशन कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, तो ये आपने रिस्पॉन्स देखा। अब बचा कौन सा है, एट्रोपिन सल्फेट देखा, एट्रोपिन सल्फेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स पे या कार्डियक रिसेप्टर पे कोई इफेक्ट डालते नहीं, इसको इंसर्ट करेंगे देखने इसका रिस्पॉन्स कोई खास नहीं आ रहा है, यानी कि जैसा था वैसे ही हार्ट बीट कर रही है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन ऑन द फ्रॉग हार्ट, बट स्लाइटली ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट की ज़्यादा रिस्पॉन्स का अंतर नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर सभी डक्का देख लिया, एपिनेफ्रिन देखा तो एपिनेफ्रिन की वजह क्या हो रही थी हार्ट रेट बढ़ रही थी, नॉरएपिनेफ्रिन से हार्ट रेट बढ़ेगी, आइसोप्रिन से कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी सिस्टोलिक फेज में, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है लॉन्ग टाइम तक मस हार्ट को कॉन्टैक्ट करता है, प्रोपेनॉल की वजह से क्या होता है बीटा ब्लॉकर ब्लॉक हो जाता है जिससे हार्ट रेट कम हो जाएगी, एसाइलग्रिन ऐसे ही आपका कार्डियक डिप्रेशेंट है तो इसलिए हार्ट रेट ऑलरेडी कम कर देगा, पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट पहुँचने हाइपरपोलाइजेशन होगा इससे लॉन्ग टाइम तक डायस्टोलिक फेज मेंटेन रहेगी, और एट्रोपिन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्लाइटली हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग हार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया डेमोंस्ट्रेशन और प्रैक्टिकली पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये आपका वीडियो अगर लगता है कि किसी को शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।